हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रेल इन्फो में। तो आज हम इस वीडियो में ट्रेन नंबर 653 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसी घटना घटी हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। उन घटनाओं में से एक घटना 22 दिसंबर 1964 को घटी, जब भारत के रामेश्वरम द्वीप के किनारे धनुषकोटी में भीषण चक्रवात आया। इस चक्रवात में ट्रेन नंबर 653 बह गई, जिसमें आंकड़ों के अकॉर्डिंग 115 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि ये हादसा हुआ कैसे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। दोस्तों, 22 तारीख को तूफान की रफ्तार 280 किलोमीटर पर आ गई थी। रात के करीब 9 बजे थे। तेज रफ्तार हवा से मौसम कुछ ज्यादा खराब हो गया, जिसके कारण लोगों के घरों में भी पानी भरने लगा। उधर धनुषकोटी रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर ट्रेन नंबर 653 पंबन धनुषकोटी मीटर गॉज पैसेंजर ट्रेन को, जो कि एक डेली बेसिस पर चलने वाली ट्रेन थी, ये ट्रेन पंबन से धनुषकोटी पहुंचाती थी। उस रात करीब 9:55 हुए थे। ये ट्रेन पंबन रेलवे स्टेशन से काफी आगे निकल चुकी थी और धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी कि तभी तूफान की रफ्तार बढ़ गई, जिसके कारण सारे सिग्नलिंग सिस्टम बंद हो गए थे, जिसके कारण लोको पायलट को ट्रेन स्टेशन के बाहर ही रोकनी पड़ी। करीब जब 2 घंटे तक ट्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने रिस्क लेने का सोचा और बिना सिग्नल के ट्रेन उन्होंने आगे बढ़ा दी। पर उस दिन समुद्र की लहरें बहुत ऊंची थी। जैसे ही ट्रेन पंबन ब्रिज पर पहुंची, वैसे ही एक बड़ी सी लहर आई और पूरी ट्रेन को ही निकल गई। पूरी ट्रेन में टोटल 6 कोचेस थे और एक ही सेकंड में पूरी ट्रेन लहरों के साथ बह गई। अगर ऑफिशियल डाटा देखे तो सभी पैसेंजर और रेलवे स्टाफ को मिलाकर टोटल 115 लोगों की जान गई, और अगर वहां के लोकल लोगों की माने तो करीब 150 से 200 लोगों तक की जान गई। दोस्तों, उसके बाद भी तूफान कई घंटों तक शांत नहीं हुआ। उस समय अकेले धनुषकोटी में 1000 लोग ने जान गंवा दी थी। ये भारत में आया एक बहुत बड़ा तूफान था, जिसकी निशानी हमें आज तक देखने को मिल जाती है। दोस्तों, पंबन ब्रिज उस तूफान की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अगर आज का पंबन ब्रिज देखे तो वो इस प्रकार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडियन रेलवे से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हर मंडे आती रहेगी। और अगर आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में जानना है या कोई इंडियन रेलवे रिलेटेड इंसिडेंट या स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल पर भी बता सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। आपकी वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय हिंद।